भग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरो अवशर शरीरमितेजभरो मनसंयमि बोधिनिकामयता निरभे विचरो भूमण्डल मे शवै अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्ध जन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत श्री चरणों में मैं हृदय से नमन करता हूँ। चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जुड़े हुए मेरे प्रिय सभी श्रोता जन और बड़ी दूर दूर से और नज़दीक से आए हुए मेरे सभी सन्मुख विराजमान अपने सभी प्रिय श्रोता समाज को मैं भगवत भाव से नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम Thank you.
हंस ने योग माया को मारने की जब कोशिश की और वो जब हाथों से निकल गई, आकाशवाणी कर गई कि तेरा काल पैदा हो गया है, तो कंस ने फिर ब्रज में जितने भी 3 साल तक के बच्चे थे उन सबको मरवाने के लिए सैनिकों को भेजा और पूतना को भेजा। पूतना जब भगवान को मारने के लिए आई, बड़ा सुंदर रूप बना करके आई। जब सुंदर रूप बना करके यशोदा के घर में प्रवेश कर जाती है और भगवान ने देखा कि ये जहर लगा करके आई है, ये बाहर से बड़ी सुंदर है लेकिन अंदर से इस जहर लेकर के आई है, तो भोले बाबा से आंख बंद करके प्रार्थना करी कि भोले बाबा, ये जहर पीने का हमको अभ्यास नहीं है, इसलिए जहर जहर तुम्हारो और दूध दूध हमारो। बोले ठीक है। पहले भगवान ने उसका दूध पिया और दूध पीने के बाद फिर प्राण पीने लगे। अब जब प्राण पीने लगे तो वो बड़ी घबराई, भागने की कोशिश करने लगी लेकिन भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। अब पूतना तो चीख रही है कि उसके प्राण जा रहे हैं लेकिन भगवान भी छोटे से हैं, गले में लटके हैं, रोने लगे। तो पूतना ने कहा कि मेरे तो प्राण जा रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूं, तू क्यों रो रहा है? बोले मैंने तो पकड़ना सीखा है, छोड़ना सीखा ही नहीं है, तू छोड़ने की बात कर रही है। तेरे प्राण जा रहे हैं और मेरा प्रण जा रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। हैं? और मुझे प्राणों से भी ज्यादा अपना प्रण प्यारा है। मेरा प्रण है कि मैं या तो पहले पकड़ता नहीं हूं और एक बार पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं हूं। पूतना का वध हुआ और जब वो गिरी तो पूरे ब्रजवासियों ने मिलजुल करके उसका संस्कार किया। बड़े भयंकर विशाल रूप में थी, जब उसका संस्कार किया तो उसकी धुआं में से खुशबू आई। लोग बड़े आश्चर्य में के भैया धुआं जाके धुआं में से खुशबू। तब जो एक बड़े बूढ़े थे उन्होंने बताया कि सुनो भैया, जब कोई अपने गुरु के नाम का मनिया पहनता है, रुद्राक्ष का या तुलसी का, तो वो मनिया जो है उसके हृदय को पवित्र कर देता है, जीवन को पवित्र कर देता है। गुरु के हाथ का दिया हुआ, गले में लटका हुआ मनिया, वो भगवान के नाम का मनिया है, उससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो जाके गले में मनिया की जगह स्वयं भगवान लटक गए हों तो फिर वो अपवित्र कैसे रह गई? ताते खुशबू आई है। ताली बजाए में शर्म आ रही हो तो कभी कुआं भार में डूब के मर जाओ। हैं? तो भैया उसके बाद में जो है शकटासुर आया। एक जो है गाड़ी थी, पहली बार भगवान ने करवट बदली। जब पहली बार भगवान ने करवट बदली Mm-hmm.
जहाँ पे कई बालक आए चारे ऐसे चढ़ा देते हो बेचारे है। ख्याल रखो करो भाई, जाके भी ना हमारे को बहुत काम बिगड़ जाएंगे। ऐसे चढ़ा देते हो तो ऊपर ते गिरे हो तो ऊपर ही पहुंच जाओ। भगवान ने पहली बार करवट बदली तो करवट बदल के जैसे ही मैया ने देखा तो मैया ने पूरे गांव में बुलौवा दे दो कि आज लाला ने पहली बार करवट बदली है, आ जाओ सब लोग गीत गवेंगे, कोमरी बटेंगी। हैं पहले जमाने में ऐसी होगा तो है कोमरी बटो खत्ती बतासे बटो खत्ते, वो जमाना एक अलग था। नींव लगती थी तो गुर बटता था, है ना। अब आदमी के मोहजन का है वो लडुआ बांट दे तो खुशना, पहले बता सेनते और गुरते ही खुश है जाते, और अब लडुआ बांट दे तो बा को मोह सीधो ना हो जन का या मोह ही बिगड़ेगा जन को है। तो सभी जो है गोपियां आई और मैया के आंगन में जो है भजन गाने लगी। अरे मैया तेरो लाला जुग जुग जीवे, यशोदा तेरो चिर जीव कुमार कन्हैया, हो चिर जीव कुंवर कन्हैया, चिर जीव तेरो कन्हैया, जसोदा तेरो चिर जीव कुंवर
जन्म लियो है।
यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, चिर जीवलाल कन्हैया, चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया। जो महोत्सव मन रहा था घर के अंदर, तो घर के बाहर मैया यशोदा ने अपनी बैलगाड़ी में सवरो दूध दही भर के धर दो और बाकी नीचे धर दो लाला को पलना। अब ये बात लाला को बड़ी बुरी लगी कि बताओ हमारी कीमत इतनी कम है कि हम गाड़ी के नीचे और माल टालो ऊपर। इतने में क्या हुआ, उसमें जो है कंस का एक राक्षस था जिसका नाम था उत्कच, वो उसमें आकर के विराजमान हुआ भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने एक अंगूठे का ठोकर का प्रहार किया, और जैसे ही वो प्रहार किया तो गाड़ी जो है ऊपर गई और ऊपर से जो है लुढ़कती लुढ़कती और साइड में आकर के था। अब भगवान ऊपर और दूध दही, बोलो बोलो, नीचे। अब भगवान को अच्छा लग रहा था, जो अपने गृहस्थ की गाड़ी में सामान का स्थान ऊपर रखते हैं और भगवान का स्थान नीचे रखते हैं, भगवान उनकी गाड़ी को ऐसी ठोकर लगाते हैं कि सारा सामान नीचे हो जाता है और भगवान ऊपर हो जाते हैं। सब बड़े बूढ़े दौड़े दौड़े आए, का भयो का भयो भैया, माँ बालक खेले बिन्ने बताई कि जे लाला ने ठोकर मारी है। बड़े बूढ़े हैं बालक हैं जे, जाके जा पे खुद पे ठाड़ो भय के चले ना जा रहे, जो ठोकर मारे गाड़ी पलटे को है, ये सब बालकन की बातें, चलो कोई बात ना है गो सो है गो। भैया जिंदगी में किसी की भी गाड़ी पलटती तो भगवान की ठोकर से ही है, लेकिन यदि संत भगवान जा बाते बतामे, बालक माने संत निर्मल हृदय, लेकिन संत जा बाते बतामे तो दुनिया इस कान से निकल के सुन के इस कान से निकाल देती है, बोले जी बाबा जी नहीं बात है, जन्म कचुना धरे हो है, अपनो काम करो। ऐसे कहूँ जिनके कहवे थे जे कह रहे का ऐसे काम है जहाँ तो फिर का है ना। भैया उसके बाद तृणावर्त आया, तृणावर्त जो था वो हमारे यहाँ बात कहते हैं भूत, जो हवा को गोल गोल बमंडर आता है, बातें हम कहते हैं भूत। और हमारे यहाँ जब वो आता है तो हम कहते हैं देवता को खीर पूरी भूत को पना है, देवता को खीर पूरी और भूत को पना, तो सही वो अपना रास्ता बदल देता है, घूमता 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 घूमता। अच्छा ज्यादातर वो आता है गर्मी के दिनों में, और गेहूं कटे धरे हों खेतों में तो पूरा के पूरा उठा ले जाता है, उड़ा उड़ा के ऊपर ले जाता है, और ऐसा पटकता है दूसरे के खेत में जाके है। लेकिन जब वो पटकता है तो वह पूरा में एक उदानों गेहूं को रह तो नहीं है। तो ये बमंडर क्या है,
ये है काम एसर क्रोध एसर रजोगुण समुद्भव। ये कामनाओं का बमंडर है जो इंसान को उड़ा ले जाता है और न जाने कहां पटकेगा, कोई भरोसा नहीं है। आदमी का पेट कभी भरता नहीं है, आदमी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। भगवान धीमे धीमे एक साल के है चले हैं गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए गौशाला में चुपचाप। जब नामकरण किया है तो गर्गाचार्य जी का एक नियम था कि वो अपने हाथों से ही स्वयं बना करके भोजन करते थे, किसी का बना हुआ नहीं पाते थे। यहाँ भी ऐसे बहुत से संत बैठे हैं जो स्वयं ही बना करके पाते हैं। आओ तो पता ना है, पहले की बात बता रहे हैं। जी महाराज जी हैं, अपने आप ही बनाते हैं। अच्छा, और कोई मोबार आ जाए तो? हाँ तो ठीक है। हमारे मोढ़ेरा वाले महाराज जी भी अपने हाथों से ही बड़े सुंदर सुंदर टिक्कर बनाते हैं, हैं? और कभी कभी हमें बुलाते हैं तो कच्ची दाल खिला देते हैं। हम कहते हैं पकी नहीं है, बोले काकरें जल्दी जल्दी में ऐसा ही वह। अच्छा, दोस्त उनका भी नहीं है, जब हम ही अर्जेंट में कहेंगे कि तुरंत आ रहे हैं तो क्या होगा भाई, पकी पकाई कहाँ से मिलेगी है। आप हमारे बड़े प्रिय हो, संतों से संतों के वेश को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ता है हमें। उसमें फिर निर्मल हों, सहज हों, सरल हों, तो फिर कहना ही क्या। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, क्यों यहां से मोढ़ेरा के लिए कोई सीधा रास्ता होगा? वो रोड बीच में पड़ती है, वो बाकी नीचे को हो कोई। अच्छा, कट है उधर उतर जाते हैं। तो भैया गर्गाचार्य जी महाराज ने अपनी बात रखी तो जशोदा बोली, चिंता मत करो बाबा, हम आपको सूखो सामान दे देंगे, प्रसादी पाना, अपने आप बनाना। बोले ठीक है। इधर नाम रख करके अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणही आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले अरे रोहिणी, तुम्हारो जो मैया ये यशोदा की गोद में बैठे का है, तुम्हारो बेटा जाको नाम जो है बल होगा बल, क्योंकि ये बहुत बलवान है और राम के साथ जुड़ेगा तो नाम पड़ जाएगा बल राम। और बोले यशोदा, तेरो जो स्वयं को लाला है न जाकी तो मैं का बताऊं, बहून संत नामानी रूपाणी चसुतस्यते
गुण कर्माण रूपाणी तान्यहम वेद नोजनः। बोले तेरे बच्चे के नाम तो बहुत होंगे। बोले बहुत छोड़ो बाबा, एक दद्यो सीधो सांचो सो हमारा तो। तो बोले ये कृष्ण इसका नाम होगा। नामकरण करने के बाद प्रसाद बनाया है, खीर बनाई है और अपने शालिग्राम ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष श्रीष्णो हो समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। आंख बंद करके जब उन्होंने भोग का मंत्र बोला तो भगवान ने सोची कि और जरा तो वैसे लगावते, अब सांच माचो हैं तो फिर क्यों ना भोग सांच माचो लगा लो जाए, हैं? सो आय के थारी में दो वातंते लग पड़े। जब दो वातंते लग पड़े और जैसे गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो थारी में सुपड़ा साफ है गो। अब बगल में देखिए तो बाबूजी बैठे पूरे लिसरे लिसराए, हैं? खीरते मोहसन नोए, नाक तक बिगड़े हैं, हाथ बिगड़े हैं। उन्होंने आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे तेरो लाला देख कितनो शैतान है, जाने मेरो पूरो भोग झूठो कर दो। क्षमा मांगन लगी, गलती क्षमा करना बाबा, ये बड़ो शैतान है, मैं जानती हूँ, बालक है पर क्षमा करो, मैं तुम आपको दूसरा सामान दे देती हूँ। दोबारा दूसरा फिर सामान दो। अब के उनने फिर जो है बनायो भोग। जब दोबारा फिर जब मंत्र बोलो तो दाऊ भैया ने कही कि अब के नहीं जाएगा। बोले बुलाएंगे भाव से तो जरूर जाऊंगा, है? दोबारा फिर जैसे ही मंत्र बोलो सो फिर जाके खीर में हाथ डाल दे और न्योई सपोट गए पूरी है, हैं? दोनों आतंते। अरे मैया देख तेरे लाला ने दोबारा मामलो गड़बड़ कर दो, बाबा अब के क्षमा कर दो, अब के जा कमरा में बंद कर दूंगी, अब के तारो लगा दूंगी, आप अब के कैसे करके क्षमा करो। तीसरी बार में फिर जैसे ही भोग लगावे के लिए गर्गाचार्य जी तैयार भे, दाऊ भैया ने कही क्यों लाला अब के का इरादा है? बोले भाव से बुलाएंगे तो रुकूंगा अभी भी नहीं, होगी सो देखी जाएगी। मैया ने तारे में बंद कर दो, अब का होगा? सो बगल में एक खिड़की थी, बोले तारो ही तो लगे हो, खिड़की तो खुली है, सो खिड़की खोल ली। अच्छा जैसे ही भोग लगावे के लिए तीसरी बेर में गर्गाचार्य जी तैयार भाई, बिन्ने पहले इतने तो देख भी कोशिश करी, मान के अब देख ले पहले ही, सो बगल में देखी तो खिड़की में है क्यों जा करो। गर्गाचार्य जी ने कही शैतान अब कि हम आंखें ही बंद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि अभी आपने हमारी शैतानी देखी कहाँ है, जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करो तो ही भोग लगावे हम, आप आंख खोल लो हम तो भी भोग लगा देंगे। अब कभी आंख खोल के जो है नाभ्या आसीदंत करण लगे। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी आदमी का स्वभाव बन जाता, मंदिर आता है तो अपने आप सिर झुक जाता है ना, ऐसे ही बिनको बहुतना को अभ्यास हो, मंत्र जैसे ही बोलो सो आंख नेक देर को बंद भई और इतनी देर में तो आए के छबाक उन्होंने खीर में। अब तो गर्गाचार्य जी क्रोध में सोचन लगे कि मैया बुलावे तो कोई फायदा ना, हम ही देखे जाए।
गर्गाचार्य जी महाराज ने कहे, क्यों भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी है? भगवान ने बड़े प्यार से कहा, बाबा तुम बहुत बेकार हो। बोले क्या? ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है कि प्यार से बुलाता है और डांट के भगाता है। हैं? काहे को तो बुलाते हो और फिर काहे को आंख दिखाते हो। अच्छा, बोले मैंने कब बुलाया तेरे को? बाबा अभी आप ही तो कर रहे थे, ओम नाभ्या आशी दंतर चगुं श्रीष्णो द्यो हो शम वर्तत पद्भ्याम भूमिर। अरे मैं तो भगवान का भोग लगा रहा था। तो बोले तुम्हें मैंने कहा था भगवान दिख में दिख रहा हूं का है? तुम बताओ मुंह में और भगवान में क्या अंतर है? गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि ये ऐसी बात कर रहा है, क्या बात है? तब भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी जरा देखो मेरो रूप। सोई भगवान ने अपना सुंदर रूप दिखायो। ओ घरे पटल परसुधर मति के, ओ घरे पटल ओ घरे अनुचित बहुत खयु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोघाता। I'm
रे कह मुनि पाप मिटहि किमे मेरे अनुचित कहे बहुत अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमहु क्षमा गर्गाचार्य जी ने जब दर्शन कर लिए तो बोले प्रभु अब आपकी आज्ञा होए तो मैं आप अपने हाथन ते बैठे खवा दूं। अब गर्गाचार्य जी अपने हाथन ते ही खवान लगे। अचानक जसोदा अपने व कबरा में देख भी गई जहां तारे में बंद करे कहे तो माँ न तो लाला और न दाऊ दो न में थे कोई नहीं। एकदम वो घबरा गई कि जरूर मई गए होंगे। अब दोनों को देखने के लिए गई तो पहले आड़ में थे देखने लगी ओटक में तो का देख रही है कि गर्गाचार्य जी लाल आए अपने हाथों से खवा रहे हैं। अब ऐसा तो कल्पना नहीं कर सकती। कहे भयो तो हो भयो का ये लालाए मेरे और ये भगवान ये गर्गाचार्य जी स्वयं खवा रहे हैं ये का बात है। देख के बावरी सी है गई बोले बात कछु समझ में आई नहीं। तब यशोदा जैसे तैसे क्षमा मांगती वही मुद्रा में गई। तब गर्गाचार्य जी ने कहा अरे यशोदा तेरो लाला तो साक्षात भगवान है। उसी समय भगवान ने गर्गाचार्य जी की नीचे ते दाढ़ी पकड़ के खींच दई बोले जाप परिचय देवे की जरूरत नहीं है, है? मैं लाला हूं तो मुझे लाला ही मुझे भगवान न बनाओ नहीं तो मैया फिरे ठाकुर जी समझ के मुझे कब मंदिर में दिया आवेगी कि भैया जी तो भगवान हो जाए पूजा करो है फिर वो ऐसे प्यार नहीं करेगी। एक दिन मैया अपनो दूध प्यारे ही लाला है तो बेर बेर भगवान जो है दूध छोड़ दो करें मैया फिर दे मोह में दूध दे दो फिर छोड़ दें फिर दे दे फिर छोड़ दें। मैया सोचने लगी आज कावात है जाको पेट तो भरे हो ना है पर ये कावात है। So, अचानक जब ध्यान केंद्रित करो मैया ने लाला के मुंह पे तो लाला ने प्यारी सी एक मुस्कुराहट दी खिलखिला गए दो दांते अभी आगे के छोटे छोटे। मैया देखने लगी बात क्या है। अचानक एकदम लाला के मुंह से एक शब्द निकला पहली बार क्या मैया एकदम भाई भाई विश्वास नहीं भाई को जी ऐसे बोलेगो लाला तू बोलो दोबारा बोलियो सही में तू बोलो दोबारा बोलियो। अच्छा बच्चे का एक स्वभाव होता है अपने मन से कछु बोले है लेकिन तुम कहो तो कह के मर जाओ है फिर वो उसके मन की बात है। तुरंत वो नंद बाबा के पास लेके गई कि आज लाला पहली बार मैया बोला है। कभी एक दिन दूसरे दिन जो है दाऊ भैया के पास में है नंद बाबा के पास में है तो मैया जो है बड़ी खुश होकर के देख रही है कि ये और काऊ का नाम लेगा कि नहीं लेगा। एक दिन बाबा के पास जाके
और बैठे और धीमे से बोले, बाबा। एकदम बाबा नाचने लगे, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। भैया मैया यशोदा जो है भगवान को खिला रही है। कहन लागे मोहन मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। कोशिश करती है कैसे उन्हें के चलन लगे, ने का चलन लगे, और जब वो चलने लगता है तो परेशान हो जाती है, फिर वो रुकता नहीं है, हैं? फिर रोक रोक के परेशान हो जाती है। कहने लगे वो है ना मैया मैया, हो कहना
घर घर ले भैया।
आज शाम को लाला मट्टी में रेत में खेल के आए, अभी नंग दरंगे रहते हैं। मैया कितने कपड़ा पहरा दे लेकिन एक शरीर पे रहने नहीं देते। कोई कपड़ा कहूं मिलता है, कोई कपड़ा कहीं मिलता है। शाम को रेतम खेल के आए, मैया ने कहा मोह धोयो और मोटो मोटो काजर लगायो, स्वाइबे के लिए दूध प्या के स्वाय दो। अच्छा आपने देखा होगा रेतम बालक खेल के आवे, फिर वाके मोह धो और जो पानी के छींटा और शरीर पर पड़ जाए तो बहते 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 जाते हैं, तो बाकी निशान बन जाते हैं। ऐसे निशान बन गए। सवेरे जगत खेम आंखें मीड लई, काजर गालन पे धल्लो और निकर परे पूरे गोकुल की। क्यों जा रहे हैं परिक्रमा लगाने? क्योंकि गोकुल में जो गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं, लाला चरियारे नंग धड़ंगे, बस केवल एक काला धागा कमर में बंधाए और बामे उसकी माता जी ने एक लटका दिए टुनटुनिया, वो बजत चली आ रही है। बात मालूम पद जाती है कि लाला आ रो है। ये पहले माताएं बांधती थी कौंधनी, है ना, काले धागे की कौंदनी बांधती थी, बा जमाने की बात है। अब तो बेचारी ने खुद ही नहीं फुर्सत ना आती मेकअप पहते हैं, अब तो बेचारी ने फुर्सत ना मेकअप पहते फुर्सत आते और बापे तो नहीं कहा बच जाए तो फिर वो मोबाइल ना चैन लगन दे तो हैं। एक दिन मैंने बताई थी ना कि एक बालक जो है भोले बाबा पे बेल पत्थर चढ़ा रहे छोटो सो, और भोले बाबा तो कह रहा भोले बाबा यदि तुम बहुत खुश है जाए तो एक ही वरदान दे दियो। बोले का? ये बोले मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए, चूंकि जाके चक्कर में न तो मुझे देख रही न मुझे टाइम ते नवाए रही, यही गड़बड़ है। तो पहले जो माताएं होती थी अपने बच्चे के लिए समर्पित होती थी, है ना, लेकिन अब की माताएं टाइम नहीं है तो बिना कोई मजबूरी एक करें कार बेचारी बिजी ज्यादा है,
पहले कहा है कि कपड़ा धोवे की मशीन नहीं होती, है ना, मसाला पीसवे की मशीन नहीं होती, पहले चूनू अपने आतंते पीसनो नहीं पत्तो, ताते माताएं अपने बच्चे में बिजी रहती थी और दूध काढ़े वो मठा फेर वो सब अपने आतंते कन्नो नहीं पत्तो पहले, अब बेचारी ने कन्नो पत्तो अब उल्टा तो यूं कह रहा हूं कहनी पड़ रही है है? पहले काम ज्यादा हो तब बच्चा के लिए फुर्सत आती, अब बिल्कुल निठल्ली है गई है तब बालक के लिए फुर्सत आते ना है, है? चले आ रहे हैं। अच्छा पहले जो माताएं पहले जो माता है अपने बच्चों के काजल लगाती थी वो बाजार को नहीं, जो 100-150 रुपया वारो नहीं, अपने हाथन को है, हाँ सरसों के तेल को, और अंधेरे में जब पारे के बनाया जाते हो ना, आ हा हा, पर वो काजल ऐसो है तो कि यदि फैलवो चालू है गो तो पहुंच पहुंच के मरे भले ही जाइयो, वो छूटे तो नहीं है, है? और जितनो ज्यादा पहुंचोगे ना तेल लगा के उतनो ही ज्यादा भाई फैल जाते वो। अब कहां रहे वेदनाएं, अब माताएं अब की बहू तो पारे वो ना जानती होंगी, हैं कैसे काजर बनाया जाता तो पारे जाते, अब तुम तो बड़ी बूढ़ी ताते जानते हो, जी नई नई छोरी ने पूछो है? अब तो माताएं अपना दूध भी बहुत कम पिलाती हैं बच्चों को, बोतल ले ली बामे भरे हो भैंसिया को दूध और सोई बा के थूतरे में लगा दो कर ले पी ले और बन जा पड़ रहा भाई, भैंस को पीवे तो का बने हो, मनुष्य थोड़े ही बने हो। पहले माताएं अपना दूध स्वयं जितना ज्यादा हो सकता था पिलाने की कोशिश करती थी, अरे भाई इन्हें बताओ करो जो आगे आगे बैठ जाती हैं, कोई कार्यकर्ता जिन्हें बताओ पीछे निकलना है, ये दुकानदार पूरे दिन नाचवे पे रहते हो जन कामन को करेगा ना, गड़बड़ है रही है। इन गद्दन आगे बिछा के परीक्षित जी को ने आगे सरका दे बोले आगे सरक, आज रिश्तेदार कछु ज्यादा आ रहे हैं, नहीं परीक्षित जी को 7 दिन तक गुस्सा नहीं होना है, 7 दिन तक नहीं होना है, हाँ जागदा और ऐसे करते जागदा, एक तो जो औलाद है मानते ना है, अब रहने बगदा खेचे के बराबर पकड़ो जो यहां बिछाए थे बगल में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
जैसे वो गोपी के सामने पहुंचे, गोपी ने कहे लाला ए कनुआ। बोले कौन है भैया? बोले मैं हूँ गोपी। अच्छा का बात है? बोले लाला मैंने गोबर की हेल ने के ज्यादा भर ली है, तू ने के कृपा कर दे, ने के सहारा दे दे तो मेरो काम बन जाए। भगवान बोले मैंने कहा ठेकेदारी ले लीजिएगा। बोले ठेकेदारी तो ना ली पर मुझे तो पे पूरा भरोसा है। तो भगवान ने सोची कि कोई भरोसा करे तो फिर बाको भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। बोले तो? बोले बता कह देगी? बोले मैंने सुनी है कि तो माखन बहुत प्यार है। बोले हाँ। तो आज को ताजो ताजो माखन को लोना, मैं तो दे दूंगी। भगवान बोले तो ठीक है, जाम कोई घाटे की बात नहीं है। सोई गोबर की हेल उठवाई दी। अब लौट के आई वो फिर भरन लगी। भगवान बोले ए गोपी जित जित ना भयो को ते पूरे गोबर उठवाऊ है। अरे एक हेल मैंने उठवाई दी, मुझे माखन को लोना दे दे, तू अपनी गोबर डारते रहियो। बोले नहीं लाला, मैं यदि एक हेले डार की चली गई, एक हेले डार की चली गई तो मेरी सास जो है मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी, इतना मारेगी। अच्छा तो ले पूरा गोबर डार के जाना पड़ेगा एक लोना में? तो गोपी बोली एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लोना। बोले हाँ जी ठीक है। अब उठवावन लगे, वो गोबर डारन लगी। अब का भयो, गोपी को मन करन लगे कि ने के छीके देख लूं। है दर्शन तो है गए, नियम कहता है कि दरस परस है, पहले दर्शन हो फिर स्पर्श हो। बोले दर्शन तो कर लूं थोड़े से। अब का भयो, बा ने एक आइडिया लगायो, दिमाग लगायो, युक्ति लगाई। बोले का? के लाला हिसाब किताब कैसे होगो, तू उठवा रहो मैं डाल रही हूं, पर न तो तू पढ़ो लिखो और न मैं पढ़ी लिखी। भगवान बोले जी बात तो तेन सही कही है। बोले का उपाय है? बोले एक काम करते हैं, जितनी गोबर की हेल तू उठवावेगा उतने ही मैं ते मुंह पे गोबर की बिंदी लगा दूंगी और सोई का पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। ये कौन बिना पढ़ा लिखा बन रहा है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज करम करे बिना
गोबर की बिंदी लगाने लगी, पूरा मोहनो भर दो गोबर की बिंदी, तेल लगाए लगाए के लगाए लगाए के। जब पूरा गोबर पटक गो तो अब वो गोपी जो है लाला के दर्शन करन लगी। हरि बोल। लाला के दर्शन जो है वो गोपी करन लगी, घूर घूर के बैठ गई और देख रही है बिना पलक झपके, बिना टकटकी लगाए। ए गोपी जी क्या कर रही है तू? बोले लाला तेरे दर्शन कर रही हूँ। बोले ऐसे घूर घूर के? बोले हाँ। बोले मेरी मैया ने ना ही करी है कि कोई ज्यादा घूर घूर के देखे तो बातें मना कर देना, क्योंकि मुझे नजर लग जाती है। पर लाला तू लगत इतनो मलूक है, इतनो सुंदर है कि मेरी निगाह हटती नहीं है, मैं करूं तो मैं क्या करूं है? सखी के हृदय में, सखी के चित्त में भगवान की झांकी इतनी अंदर चली गई, उसकी आंखें, उसका हंसना, उसकी दतुलिया है। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, चमकती हाय पर छी।
तरस भरी चित बल मेरी ओ खूमे नाते हो कहो के हो कहो के ओए होए कहो के से कहां जाऊं ये पीछे पड़ गई अखिया सधीरी पांच बिहारी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखिया बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई छवि न निकलेगी भले तन से निकले प्राण मगर छवि न निकलेगी अंधेरे मंदिर में मड़ी सी गढ़ गई अखिया सधीरी पाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया वो बचाई वो बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखिया सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया भगवान ने कहा गोपी यदि मैं इतना अच्छा लग रहा गोपी को वहीं बैठे छोड़ दिया और भगवान सीधे गए मैया के पास ए मैया और मैया के पास जब पहुंचे तो मैया ने देखी पूरे मुंह पे
बाकी जो सास होता ही वो घर से निकल गई। बाकी सास वैसी हथी गाँव ने कहा के था डुल्लो, डुल्लो जानते हो, यानी घर से सवेरे कम से कम 10-20 घर में बैठ नहीं आवे, जाकी बातें बात बाकी जाते और बाकी जा, तो घर से निकल गई, घर में गो खाली। सो बड़ी खुश है, अरे क्या हिसाब किताब बढ़िया होगा। बोले लाला हिसाब किताब तो करूंगी पर एक मेरी प्रार्थना है। बोले बता। बोले मैंने सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले मैं नाचू के गाऊ तो जाते जाते काले नो देनो, तू मैं हिसाब किताब करे। बोले ना लाला मोए तो आज ही मौको मिलो, मेरी तो सारी इच्छाएं आज ही पूरी कर जा, इसलिए नेक नाच दिखा दे। बोले गोपी जी तो बेईमानी है, सवेरे तो तेने गोबर उठवाया मुँह पे, अब तू नाचवे की कह रही है, फिर बाके बाद कछु और कहेगी, तेरो का भरोसो। बोले नहीं लाला फिर कछु नहीं कहूँगी, बस नेक नाच दिखा दे। गोपी न दिखाऊं तो बोले जा अपने घर। अब भगवान ने सोची सवेरे को मेहनतानू जा रहो जो तो है, जो सवेरे ते अब तक करे काओ वो बहू को सुपड़ा साफ भयो जा रहो है। तो वान की अब तो दिखानो पड़ेगो। सो भगवान जो है गोपी ने खूब नचाए, नाचत नाचत अब भगवान थक गए। सो बोले गोपी अब तू चाहे दे और चाहे मत दे, अब हम जा रहे हैं अपने। बोले नहीं लाला ऐसी बात ना है, मैं तो माखन दूंगी, नहीं रुके मैं अभी आई अंदर जा रही हूँ। अंदर कवरा में गई और वहाँ ते निकल के आई तो मुँह पे 12 बज रहे और भगवान ते बोली क्षमा करना। भगवान को बहुत गुस्सा आया, कोई पेमेंट के समय पे कहे क्षमा करना, बाकी घर पूरे दिन बेलदारी करी हो है। तो फिर क्षमाऊँ बहुत बुरी लगते हैं। लाला ने लाल पीरी आंखें करी, गोपी बोली लाला चाहे पीरी आंख कर चाहे लाल आंख कर, मजबूरी जो है कि मेरी जो सास है ना वो मोते पीछे पूरे माखने गरम करके बनाई गई है घी, आज सोमवार को देना हो मुए ध्यान नहीं रहो, वो जो है भाई घी बनाई गई है। अब माखन में से घी तो बन सकता है पर घी में से माखन नहीं बन सकता, अब तू बता मैं क्या करूं। पर हाँ मेरे घर की छाछ बहुत मीठी है, एकदम गाढ़ी, हमारे यहाँ बासने धोए के वो पानी दूध बना दे जाते, इतनी गाढ़ी छाछ, कहू के यहाँ तो दही नहीं होती होगी। अच्छा बोले हाँ। तो भगवान ने सोची अब बौनी के समय जो कुछ मिल जाए सोई ले लेना चाहिए, माखन तो गयो है, बौनी बिगड़ी जा रही है तो जो कुछ मिल जाए सो ठीक है। अब्बा गोपी ने जब मठा प्यायो और मठा का उबासन में नहीं प्यायो, भगवान ते कई ओख लगा ले, क्योंकि ओख में एक झंझट रहता है, यदि जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक वो ओख हटावे वो नहीं। अब भगवान ना ही करे और वो कुरेती जाए, ना ही करे और वो, लेकिन भगवान को इतना स्वाद आयो क्योंकि 3 साल की तपस्या ही बाकी, 3 साल से इंतजार कर रही कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे हैं? 3 साल से या तो जा मठा में स्वाद आयो भगवान ने, या फिर त्रेता युग में सवरी के बोलो बोलो बेरन में है, या फिर बिदुरानी के छिलकन में, केला में नहीं छिलकन में है। पूरे मठाए पी गए वाके। बोले गोपी ने का दौर तो है। बोले अवना हत लाला, तनी का पिवा तेर
बड़ो मीठो लागे मठा गुजरिया इने कपिवाय दे Thank you.
राह बदले मन चाही मो पे तू पहल कराए मेरी ओ तेरी मीठी नाच नाच गुजरिया तन कटवाए मेरी बांके बिहारी लाल देकर के और मात्र जो है मठा पिलाया छाक पिलाई। लेकिन प्यारे हो नारद जी महाराज आकाश मंडल से इस लीला का दर्शन कर रहे थे और कहते हैं धन्य है गोपी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से व्यास रटे पछिहार तो जखो पार न पावे ताहे अहीर छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच न जावे छछियावर नाच पे नाच जावे। भगवान जब मैया के पास में गए मैया बड़ी उदास थी। बोले मैया इतनी उदास क्यों है का बात है? बोले उदास नहीं होंगी यूं बता मेरे घर में दूध की कमी ना दही की कमी ना माखन की कमी ना तो फिर न्योता तैने जे बागोपी के यहाँ पल्लेदारी क्यों करी है? दुनिया का सोचेगी कि जाए जाके मैयो भाई देत नहीं होगी तभी तो पल्लेदारी कत डोलो कर कर बता जे सोचबे की बात है कि नहीं दुखी हवे की बात है कि नहीं तैने वो पल्लेदारी क्यों करी मोजो बता। तब भगवान ने मैया को बताया। अब ये भगवान मैया को जो बताएंगे अब ये एक कथा कहेंगे लंच के बाद। अब पानी वगैरह पी लो और हमारे परीक्षित जी के जो नातेदार रिश्तेदार आए वे सब स्वागत कर लो सम्मान कर लो और बाकी लोग पांव फरेरे कर लो फिर बैठो।